अरे अरे का पूरा बनारस इकट्ठा करे के है का, जो गले का लाउड स्पीकर बनाए हुए हो, क्या बात है? अच्छी बिटिया की तबीयत का हालचाल जानने का गए, पूरा घर सर पे उठाई लिए हो, है का बात का है? उस सांची के घर में कोई लड्डू मिला था क्या, जो दौड़े दौड़े चले जाते हो और उनके घर में जाके का बहरे हो जाते हो कि इतनी देर से चिल्ला रहे सुनाई नहीं पड़त? अब वो तो आपके सामने ही खड़े है ना, तो ये लाउड स्पीकर वहाँ बंद करो और इंसानों के जैसे मुंह से बात करो। क्या बात है? दूसरों की नहीं, अब अपनी बिटिया के बारे में सोचो। चलो ग्रह नक्षत्र देख ये बताओ कि हमारा ब्याह कब होगा। पता है रात को हम एक सपना देखे रहे कि हम दुल्हन की तरह सज धज के बैठे हैं और ये घर से हमेशा के लिए विदा हो गए। हमेशा के लिए? आज तो हमारा सपना सच हो जाए। मतलब ये कि तोरी शादी हो जाए। अब वही तो पूछ रहे हैं ना, जरा ग्रह नक्षत्र की गणना कर, बताओ कब हुई हमारी शादी? अरे नहीं नहीं, अरे पहले हमारे ग्रह नक्षत्रों की जनगणना करके बताओ कि धन का योग कब है, कब है धन प्राप्ति का योग। जनगणना? हाँ जनगणना। नहीं पहले हमारी गणना। तो आ रहे हैं। आज दोपहरिया ठीक 12 बजे तोरे सपनों का राजकुमार तोरे घर में आ रहा है। सच्ची? ठीक 12 बजे दरवाजे पे खड़े रही हो। हमके धन प्राप्ति कब हुई? क्या कहत है आपकी कुंडली? राहु केतु और शनि आपके आसपास ही मंडरात हैं। कुछ भी नजर नहीं आवत है, पूरा के पूरा अमंगल ही सामने नाचत है। बहुत ही लंबा समय लगेगा धन प्राप्ति में। ले लो, हमारे बारे में जब भी कहोगे उल्टा ही कहोगे। हम ना ही कह रहे, आप ही के ग्रह कहते हैं। कोनो भला काम करो तो ग्रह भले हो गए। अब हम जा रहे के पहले कि यहाँ बैठे बैठे हमरे ग्रहण खराब हो। अरे अरे कहाँ जान तू, अरे रुको, अरे जब भी हम तुमसे कुछ पूछते, अरे रुक। Hi Mac, is everything okay? आज तुम्हारी स्कूटी कहाँ है? सर वो हमारी स्कूटी खराब हो गई थी। वो सब तो ठीक है, मगर तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही? सर कैंपस का माहौल तो आप जानते ही है ना, इंदु सिंह यहाँ ना आ जाए इसलिए हमें बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैंने वीसी सर को कंप्लेन कर दिया है और अब वो कैंपस नहीं आएगा। When trouble is here, you don't have to fear. आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कम जी कम कम डोंट थिंक, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ओके आ जाओ। वैसे आपकी फ्रेंड साची कैसी है? सर इंदु सिंह के कारण उसकी तबीयत बहुत खराब है। पुअर गर्ल, प्लीज गिव माय रिगार्ड्स। और हम आपकी तरह उससे भी कहिए कि वो मुझे अपना अच्छा दोस्त समझे। जी सर हम बोल देंगे। आप रहती कहाँ पर? सर हम सिविल लाइंस में रहते हैं। यानी आपके पापा सीनियर ऑफिसर हैं? जी। I'm sorry, वो गलती से हट टच हो गया। No, it's okay, it's fine, sir. ऐसे मत कहिए, कहीं हम आपका हाथ निशा के लिए ना थाम ले। गाना सुनेंगे आप? जी। ये लीजिए। सपने दे गया वो हजारों रंग।
पता है कि ये हमारा फेवरेट सॉन्ग है। सच्ची? जी। यानी आप बहुत ही रोमांटिक किस्म की लड़की हैं। भैया जी, वो गंगा प्रेस वाले का पता चल गया है। ससुरा बनारस छोड़कर भाग गया कहीं। अरे पलवल को छोले ना। नहीं भैया जी, हमें सांची जी से मिलना है। हम उनके घर जाके उनसे मिलेंगे। बहुत जरूरी बातें कर दी है सांची जी से। कैसी बातें कर रहे हैं भैया जी आप? हम यहाँ परमल से निपटने की सोच रहे हैं और आपको सांची जी से मिलना है। सब हो जाएगा। प्रबलवा की अंतड़ियां तोड़ देंगे। गंगा प्रेस वाले के पूरे खानदान को गंगा में ही बहा देंगे। जरूरत पड़ी तो वीसी को भी बॉम्ब से उड़ा देंगे। लेकिन वो सांची जी, हम निर्दोष हैं ये कैसे साबित करें? लेकिन भैया जी, लेकिन कुछ नहीं, हम बेगुनाह हैं और सांची जी को बस यही साबित करना चाहते हैं। सात जन्मों का साथ है हमारा, हमारी धर्म पत्नी है, तुम लोगों की भाभी। अरे हम उनसे कितना प्यार करते हैं, पोस्टर क्यों छपवाएंगे? उनका नाम तो यहां लिखा है हमारे सीने में। सीना चीर के देख लें कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं। अपने ही गुस्से से बहुत डर लग रहा है हमें, जैसे कोई साइक्लोन आने वाला है। हम बेगुनाह हैं, सांची जी को साबित करने जा रहे हैं। सांची जी माथुर अपने घर के और दिल के दरवाजे खोल के रखिएगा। इंदु सिंह आ रहा है। अबे भैया जी, तो हित बिकत हो गए बे। लौंडिया भाव नहीं दे रही और भैया जी मरे जा रहे हैं। अरे हमको तो ऐसा लगता है कि लड़की भी हाथ से गई, पूरा कॉलेज का इलेक्शन भी और कैंपस। भैया जी काहे नहीं समझ रहे हैं यार। पर बलबा यही तो चाहता है कि भैया जी पगलाए और वो मुशायरा लूट ले जाए। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? क्या कह रहे हैं हम? चलो जाए करके आराम करो। आप आराम करके थक गए, कितना रेस्ट करे, थोड़ा काम कर लेंगे तो मन भी लगा रहेगा। दीजिए हम करते हैं। काम करेगा है ना तुमको? काम करेगा है तो जाओ, किताब निकालो और जाए करके पढ़ाई करो। अपन याद है ना का प्रॉमिस किए रहो तुम हमसे? तो फिर हमरे लिए वॉशिंग मशीन कैसे आएगी और घर में ढेर सारे नौकर चाकर वो कैसे होंगे? हमरे सर पर बंगला और ये बाहर गाड़ी बड़ी वाली चौपर वाली वो कैसे आएगी? नौकरी लगेगी ना, सबसे पहले हम घर में काम करने के लिए किसी को रखेंगे और तुम मार्केट जाओगी कार में। हेलो सांची, एक बात कहनी थी तुमसे। हमने देखा कैंपस में तुम्हारे नाम के पोस्टर लगे हैं, अच्छा नहीं हुआ। लेकिन ये सब तो होना ही था ना। उस दिन जब इंदु सिंह ने हमारी बेइज्जती की थी ना तुम्हारे सामने, उसी दिन हमने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए गंदगी देख ली थी। हम समझ गए थे कि वो ये सब तुमको इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है। हम ना इंदु को बहुत अच्छे से जानते हैं और हम सिर्फ तुमसे दोस्ती किए थे उससे बचाने के लिए, लेकिन तुम हमारे अगेंस्ट हो गए। कॉलेज में लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहें, पर हम जानते हैं कि इंदु सिंह के साथ तुम्हारा कोनो सीन नहीं है। हमारे घर में रहती हो इसलिए हम तुम्हारी केयर करते हैं। कल को तुम्हारे कुछ हो गया तो तुम्हारे पापा हमसे पूछेंगे। हम बस इतना कहने आए हैं कि अब तुम इंदु सिंह से बात मत करना। जो भी कहना है हमको आके कहो। हम हैं ना?
बस इतना कहने आए थे, चलते। इंदु सिंह आउट, अभिमन्यु इज इन। कसबे मनवा का गेम के लिए हो बे बेटा, प्रबलवा भी मान गया तुमको। अभिमन्यु और इंदु दोनों ही एक जैसे हैं, जिनकी जुबान पर कुछ और आंखों में कुछ और होता है। अगर किसी लड़की का नाम एक बार भी किसी लड़के के साथ जुड़ गया तो लड़की लाख बेगुनाह हो, उसके बाद भी वो लोगों की नजर से नजर नहीं मिला पाएगी। इंदु सिंह, तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया। हमारी इस हालत के लिए तुम जिम्मेदार हो, इसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। बुक्स लेकर बाद में नहीं, लेकिन वो हमारी जरूरत का सामान है। क्या लिख रहे हो? इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट का लिख रहे हो तुम लोग? जरूरत भरे दिलाएंगे, बता दे रहे बस। बेटा सांची, कोनो चीज ले आए हम तुम्हारे लिए, इन लोगन का लेके बाजार जा रहे हैं। नहीं माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। काहे? वो दिन तो अपनी सहेली के साथ बड़े मजे से गुलगप्पे खाए रहे। ले आए गुलगप्पे? हाँ माँ, हम टिक्के खाएंगे। हाँ माँ, ये अच्छा है, हम भी गुलगप्पे खाएंगे। तुम्हारी सांची दीदी से पूछ रहे, तुम लोगन से नहीं। ना हमें चाट चाहिए और ना हमें कहीं जाना है। बस दीदी, बहुत हो गया, अब इतना ड्रामा नहीं, प्लीज चलिए ना, बहुत मजा आएगा। सांची, बाहर जाए से मन बहल जाता है। हाँ दी, बाहर की हवा लगेगी, हम लोगों के साथ चलो। चलो दीदी, चलो चलो। माँ, पापा और डॉक्टर दोनों ने कहा आराम करने के लिए, और वैसे भी हमारा मन नहीं है। ना दीदी, प्लीज प्लीज, बहुत मजा आएगा। रह दो, भूखा जी नहीं है तो मत खाओ। बेटा आराम ही करना, घर के कामों में मत लग जाना, ठीक है? हम जल्दी आ जाएंगे। बाय। दीदी आजकल बहुत भाव खा रही है। बारह बजने में सिर्फ एक ही मिनट बचे। बापू आज दौरा कहा सच न बहना, तो सात जन्म तक ये बिन ब्याही बेटी का श्राप झेले के पड़े। आरती कराए वाला आज न आया तो तोहरी तो हम ऐसी आरती उतारने की का बताएं। यही का हाँ, और हम हैं उनकी बहन रूप कुमारी। वेलकम है जी। आइए ना, बैठिए। क्या पियेंगे? ठंडा लाए कि गरम? देखिए, वो पंडा बताया रहा कि ऊपर वाला माला जो है किराए विराए पे दे रखा है। हाँ, 12 कमरे हैं,
सब किराए पे चढ़ाए हैं। सांची जी कौन से कमरे में रहते हैं? सांची कौन? सांची जी माथुर, उसे मिलने के लिए आए। बताएंगे, खुद ही ढूंढ ले हम। से मिलने आए हैं ना? देखिए ना, ठीक 12 भी बज गए हैं। देखिए, हमारे दिमाग के 12 मत बजाइए। दिमाग जो है वो हमारा व्यवस्थित नहीं है। कुछ उल्टा सीधा नाप शनाप बोल लेंगे, मुंह से निकल जाए खामा खाम। अरे, हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। आपको सांची से नहीं, रूप से मिलना है। अभी हम अगर अपने असली रूप पर आ गए ना, तो ये रूप का सूप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रूप का सूप। तो आप अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो। अरे, हम तो एलिए पूछ रहे थे कि आपकी मदद कर सके। अरे, आपका हेल्प बूथ खोल के बैठिएगा, मदद मांगे काम कुछ फिजूल में चेप ना हो, निकल लो। सारी ग्रह नक्षत्र की गणना के हिसाब से तो 18 बजे आए। ये सांची को खोज, ये अमरी 12 क्यों बजा रहे हैं? नहीं नहीं रूप, नक्षत्र थोड़ी परीक्षा ले रहे हैं। हाँ हाँ, हम तो आपकी मदद कर रहे थे और आप हैं कि बिना बात भाप का इंजन हुए चले जा रहे हैं। सांची घर पे नहीं है, लागत है बाहर गई होगी। बाहर? हाँ। तो अब आप हमें ये भी बताएंगी कि कोई बाहर कैसे जाता है? यो, आपको इतना भी नहीं पता प्राण प्राणेश्वर? क्या मतलब ये कि आप भूल रहे हैं कि आप 12 बजे आए थे? 12 12 12 12, अरे जब से आए का घंटा घर बनाओगी क्या हमारा? देखो, अभी हमारे दिमाग के 12 ना बजाओ, बता रहे हम सांची जी से मिलने आए, उनसे मिलके चले जाए। लेकिन वो तो घर पे है ही नहीं। आप भूल रहे हैं कि आप किसी और से मिलने आए थे। देखिए ना, दरवाजा सटा कर ताला लगा कर गए हैं वो तो। अरे, बहुत बड़ा ताला लगा है यहाँ पे तो। अब हमें मालूम करने दीजिए कि सांची जी घर में हैं या फिर नहीं, ठीक है? और आप लगाइए अपने मुंह पर ताला, इससे पहले कि हमारे दिमाग का ताला खुले। हैं? कहा ना जाइए, चलिए अपना काम कीजिए। जितना बोला जाए उतना करो। जाइए अपना काम कीजिए, सांची जी से मिलने आए, उनसे मिलके चले जाएंगे हम। चलिए आप, प्लीज अपना काम कीजिए। अरे, आपसे जितना कहा जाए उतना कीजिए। चलिए जाइए, कार जाइए। तमाशा हो जाएगा यहाँ पे, आस पड़ोस वाले लोग आ जाएंगे, चले जाइए यहाँ से। ताला खोलेगा कान का आके वहां पे।